अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है काम का फाइनल डे, यानी फाइनल आज फाइनल होने वाला है काम, है ना। तो जैसे कि घर का झटकम झुटकी हो चुकी है, पूरी बाथरूम, पूरी किचन की टाइल्स वगैरह सब अभी मैं धो रही हूँ। एक किचन के अंदर के जो बर्तन होते हैं ना, डेली यूज जो करती हूँ वही बर्तन है, मगर इसमें तो जो साफ थे वो मैंने रख दी, और जो ज्यादा गंदे थे जो बहुत कम यूज करने में आते थे वही लेके भी धो रही हूँ, है ना। बराबर। तो उसके बाद में ये किचन का पूरा पोछ के ले लेंगे, जो बॉक्स है ना किचन का, ट्रॉली वगैरह धो लेंगे, बॉक्स भी पोछ लेंगे। उसके बाद में जो है मैं ऊपर का ये क्या बोलते हैं, ये भारत की पूरी टाइल्स को मैं साफ कर, दर्शन की टाइल्स, भारत की दर्शन की टाइल्स रख लूंगी आज। आज ये सब काम आपको देखने मिलने वाला है। उसके बाद में काम खत्म, उसके बाद में फिर मेरी कुकिंग चालू है ना। अभी कैसा होता है ना, मैं ये भी घर ये काम करने लगती हूँ ना, तो फिर कुकिंग का वीडियो मेरा थोड़ा रुक जाता है, बराबर। क्योंकि घर का साफ सफाई करने लगूंगी तो कुकिंग का वीडियो रुक जाएगा, इसलिए दोनों एक साथ नहीं कर सकती हूँ मैं। इसलिए पहले एक करती हूँ, फिर एक रुकाती हूँ, फिर दूसरा करती हूँ, है ना। तैयारी करती हूँ, फिर आने के बाद कपड़ा बांध के रखी हूँ। हाँ बर्तन चमक का एकदम दिसंबरी से घस रही हूँ। मोटर बंद करो, मोटर दिसंबरी में घसते हैं। अम्मी भांडे कल कल आई थी ना, अभी मैंने उस दिन बम्बई से, हाँ तो ये वो उसको भी सब दिसंबरी पाउडर से घस के रख देने का। जब भी खाना पकाए के तभी नहीं घसने का, तभी तो ऐसे नॉर्मल से भी घसने का तो चलेगा, मगर महीने में एक बार उसको दिसंबरी से घसने चमकते रहते। पहले के लोग अभी तो सब बंद करते हैं ना, अभी वो प्याली जो आती है ना स्टील की, पित्तल की प्याली, उसमें ही चाय पीते, उसमें ठंडी नहीं चाय होगी ना, पित्तल की थाली में डाल के चाय पीते। ऐसा तो ये हो गया, अभी सब मतलब स्टील के पॉलिश के अभी तो तांबा पित्तल भी जर्मन भी बंद हो गया है, जर्मन भी नहीं और स्टील भी नहीं। अभी वो काला वाला बर्तन निकला है ना, वही निकल जाएगा, उसी का यू कल हो गया। अभी आजकल के बच्चे लोग को थोड़ी है सब तांबा पित्तल चाहिए, नॉन स्टिक चाहिए। चलिए माशाल्लाह सारे बर्तन धोकर हो चुका है, यहाँ पे सब रखी हूँ। अभी मैंने अभी जो इस किचन का ग्राव है वो साफ कर रही हूँ, वो साफ हो जाएगा तो उसके बाद मैं सारे बर्तन में हमारे किचन में लगा दूंगी। कल मैंने 11 बजे तक का कपड़े धोई थी, सोफे के कवर भी और ये सब धो के ले ली, अंदर का हो गया, बाहर का धोने का बाकी है मेरा, है ना। अंदर का रूम भी सामान कैसा है देखिए, मस्त है ना, छोटा सा ही है मेरा घर। इतना सारा बर्तन धोया ना तुमने। हाँ अभी इतना सारा धोके हो गया, अभी जा रही हूँ बाहर के टाइल्स धोने के लिए। अभी तुम्हारे भाई को साथ में लूंगी, ऊपर से पूरी टाइल्स को घस के ले लूंगी। यार तुम्हारे मैं भाई बोले क्या कुछ बना मत, मैं भाग बिरयानी का ऑर्डर दे देता हूँ। तो उस दिन दाल दूधी बनाए थे, आज बिरयानी बनाए, बिरयानी आज अच्छी बनाया था। भटारे की बिरयानी जल्दी पसंद नहीं आती मेरे को, और आज का काम कर करके पेट में भूख लग गई ना, तो बिरयानी अच्छी लग गई, है ना। तो चलिए अभी जा रही हूँ फटाफट से करने के लिए। ये सारी ट्रॉली भी ये सब किचन का ये ट्रॉली है, ये किचन की पूरी ट्रॉली को मैंने धो के, तुम्हारे भाई धोए अच्छे से, मैंने धोई, तुम्हारे भाई धो घस घस के दिए, मैंने पानी से धो के पूरा अंदर रखी, और पित्तल के बर्तन भी घस के रख चुकी अच्छे से, और सब मसाले इसके अंदर सब आम के सामान डब्बे खाली है ना सब। हाँ
इसमें सुकट है, इसमें सब मसाले दाल वगैरह, दाल भी सब एक जगह करके रखी, उसे अपना अपना डब्बे में अलग अलग करूंगी। चलो सीधा भाग, बहुत जल्दी काम करते पूरा होम टूर ब्लॉग दूंगी आप लोगों को। देखो वो ज्यादा ना घर में सामान भर दे को अच्छा रहता, कच 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 कर। देखो पहले ही छोटा घर, छोटे घर में ज्यादा सामान भर के रख दो, फिर खाली खाली घर अच्छा लगता है। खुला खुला रहना होता है, खाली खाली रहना, जितनी जरूरत है उतना ही सामान अपने घर में रखने का। जिसकी जरूरत नहीं है वो क्यों लेने का जबरदस्ती का सामान। बोल अभी तक अभी पॉग लगी थी, मैं निकाल दी हूँ पॉग, सोच रही हूँ क्या लगा उधर के, पॉग लगा हुआ नहीं लगा, खाली खाली खुला खुला रहेगा तो छोटा सा भी घर है ना बड़ा दिखता है। और सब सामान अगर अच्छी तरह अरेंजमेंट करके रखेंगे ना तो घर और अपना खूबसूरत सा और छोटा सा भी प्यारा दिखने लग जाता है ना। बराबर, ये सब कवर धोने का बाकी है, ये धो दिया ना इसका कवर, इसका धो दिया, ये सब धोगे नहीं, कल लगा दूंगी मशीन में, कल एक वीडियो भी बनाऊंगी रेसिपी का। तो चलिए यहाँ पर तुम्हारे भाई जो है ना ये बाहर की पूरी टाइल्स धो रहे हैं और मैं सीढ़ी पकड़ के खड़ी हूँ, तुम्हारे भाई को बोलते जा रही हूँ जरा अच्छे से धोना, जरा अच्छे से धोना, क्योंकि पूरी जो बाजू में काम हुआ था तो पूरी सीमेंट है ना मेरे टाइल्स के ऊपर उड़ गई थी। हाँ। और वो कितना भी रगड़ रहे तो निकल रही नहीं थी, पूरी सूख गई थी है ना। हाँ। और काफ़ी धूल और काफ़ी मट्टी निकली बाहर से भी, अच्छा घसघस के हम लोग ने निकाले। पहले से सेट रहती है, अब नया वाला लगाया तो अब इसमें सोच रही इसमें क्या चेंज करूँ, ऐसे ही रखूँ क्या, ये कटोरे निकालूँ क्या, क्या करूँ है ना, ये सेट नहीं हुआ, ऐसा लग रहा मुझे सेट नहीं हुआ है, सेट तो हो चुका है सब नीचे का जो भी सामान थे रेसिपी बनाने के, सब एक बॉक्स में भर के मैंने कोक माले पे रखती हूँ, जब भी मुझे जरूरत रहेगी रेसिपी बनाने के लिए तो निकाल लूंगी। इधर पे एकदम किचकिच किचकिच हो गया था ऐसा करके, ये सब चटनी पिटनी का और ये मसाले मसाले की बाटी तो नीचे ही रखी हूँ जो बार बार लगती है, बाकी तो हटा दी। और ये देखिए ये मेरा है कॉल आया जिसका, तो चलिए यहाँ पर देखिए ये पित्तल के बर्तन सारे मैंने धो के रखी हूँ, और माशाल्लाह पित्तल के बर्तन धोने के बाद में इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बस धोई हूँ तो कितने अच्छे लग रहे हैं सारे पित्तल के, सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ना ये वाला चम्मच लग रहा है चावल निकालने का, ये प्लेट है ना, तो ये सब कैसा ना हम लोग डेली यूज करने के लिए, मैंने ये प्लेट ही वगैरह नहीं है, ये मैंने सिर्फ ली हूँ रेसिपी शूट करने के लिए। अब जब हम कैसे एक रेसिपी वाली मैं बन गई हूँ तो मुझे कैसे ना अलग अलग तरीके के बर्तन, अलग अलग तरीके की टोप, ऐसे सब अलग कर रही है, ऐसे कुछ अलग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं देखने के लिए। अभी दो से तीन बॉक्स भर के मेरे कोक माले में सिर्फ मेरे रेसिपी के बर्तन है, जब मैं यहाँ पर रेसिपी बना लेती हूँ उसके बाद फिर करते ना निकालने को क्या बोलते हैं, डिश आउट, डिश आउट के लिए मेरे अलग बर्तन है, अलग बर्तन है, ऐसा सब मेहनत करना पड़ता है। क्या करूँ, बहुत दिन से मैंने अभी रेसिपी की वीडियो नहीं डाली, अभी इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करूँगी। अभी कहना ना मैं अकेली हूँ घर में, अभी मुझे घर की साफ सफाई भी देखना है, कभी कभी बच्चों को भी देखना है, घर की सारी जवाबदारी मेरे ऊपर है, तो उसके बाद में मुझे रेसिपी भी शूट करना है। ऐसे नहीं कि मैंने घर साफ करने के समय घर में खाना नहीं बनाई, खाना तो मैंने बनाई, मगर रेसिपी शूट करने में और ऐसा खाना पकाने में बहुत
फर्क हो जाता है, बहुत फर्क हो जाता है, इतना लंबा फर्क हो जाता है। खाना बनाने के लिए मैं एक घंटे में सारा खाना बना दूंगी फटाफट से, दाल चावल रोटी भाजी या सालन चावल रोटी एक घंटे के अंदर मैं बना लूंगी। मगर जब रेसिपी हम शूट करने के लिए खड़े होते हैं तो वो टाइम पे हमें कम से कम 6 से 7 घंटा जाता है ना। क्यों जाता है? क्योंकि सबसे पहले मुझे किचन को साफ करना पड़ता है, उसके बाद में फिर मुझे सारी रेसिपी में जो सामान लगने वाले रहते हैं वो एक एक करके मुझे वाटी में निकालना पड़ता है ध्यान से, कोई चीज को मुझे भूलना नहीं है, सब मेजरमेंट के साथ निकालना पड़ता है। उसके बाद में फिर मुझे फिर आराम आराम से एक एक चीज डाल डाल के बोल बोल के बताना पड़ता है, फिर मसाले भूनना है, फिर उसको सजाना है वो सब, फिर लाइक लगाना है, फिर ये बिछाना है, क्या क्या करते हैं ना अपन, है ना। अगर 12 बजे अगर अपन खाना पकाने खड़ी हो तो कम से कम 4 बज जाते, 4 से 4:30 बज जाते है ना, इतना टाइम लगता है। और अगर हमें जब मुझे वैसे शूट नहीं रहता है तो मम्मी कितना जल्दी खाना बना दे, 1 घंटे में मम्मी का सब बन जाता है। ये सी मेहनत होती है, जब हम इतनी अच्छे से मेहनत करते अच्छे से बताते तब जाके हमारा रेसिपी आप लोगों के सामने आती है। तो जल्द से जल्द जाइए मुझे अफरोज किचन पे फॉलो कीजिए अच्छे से अच्छी रेसिपी देखने के लिए, है ना। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। नहीं आगे मैं टोप पता ना ऊपर पित्तल का टोप पता ना, अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे पूरा भर दूँ पित्तल के बर्तन से मैं, वो पित्तल के बर्तन देखो कितने अच्छे खूबसूरत से दिख रहे हैं, चमक रहे हैं ना। फिर रखने को जगह नहीं थी किधर, तो मम्मी ने उधर रख दिया, बोले उधर रखते तो अच्छा दिखेगा करके। देखो एकदम किचन साफ हो गया है, इसके अंदर भी जो यूज करने का सामान है डेली वही रखी, बाकी सब निकाल दी मैंने, है ना। हाँ पत्ती उसकी सब खराब हो गई, ये अटक रहा है, क्या अटक रहा है, ये गिरे वाला। हाँ गिरे वाला नहीं अटक रहा ये सारे मेरे ये आसिफ से ये था ना मेरा जूना वाला, यहाँ पे ये मैं रखती थी, ये अपना इसका मैं फोटो डाल दूंगा कि पहले कैसा था बाद में कैसा हो गया। तो ये क्या था, मैं फेंकने जा रही थी, मैं बोली ला फेंक देती हूँ दूसरा वाला लेके आऊंगी, तो आसिफ बोला नहीं मम्मी रुको मैं इसको ना कलर मार के ना अच्छे से बना के देता हूँ तुमको। तो आसिफ ने देखो ना इसको मस्त कलर विलर मार के अच्छे से डिजाइन बना के दे दिया मेरे को, बोला अभी रखो किचन पे तुम्हारे किचन को मैच होएगा, है ना। मुझे किचन अच्छे से रखने का बहुत शौक है ना, ये देखो बस बनाया ना आसिफ ने। मैं इसमें रखती हूँ घी का डब्बा, अचार, जैम, ये हनी, शहद, जो भी छोटा ऐसा पाउच रहता है ना वो इधर रख देती हूँ। इसमें नमक है, बिरयानी तो बाहर से ऑर्डर देके मंगाए मस्त बनी थी आज बिरयानी, ऐसा मस्त फ्रिज एकदम साफ हो चुका है, फ्रिज में का गोश्त खत्म हो चुका है। ये मैंने कल गई थी ना बाजार, तो मैंने बांगड़ा लेके आई थी ना, तो बांगड़े के साथ में मुझे झींगा भी अच्छा लगा, बड़े बड़े प्राउन्स थे, टाइगर प्राउन्स थे। हाँ। तो ये भी मैंने टाइगर प्राउन्स ले लिए थे, तो मैं टाइगर प्राउन्स है ये मैं भी कल या परसों बनाऊंगी, अभी तो मैं धो के रख दी। फ्रिज भी एकदम साफ हो गया, गोश्त भी खत्म हो गया माशाल्लाह। ये तो अभी कुचुम्बर है, ये बिरयानी के साथ में दिया है ना, तो कुचुम्बर इन लोग खाए नहीं, तो ऐसी बताए फ्रिज जब इन लोग मस्त है ना, एकदम मस्त है ना, साफ दिख रहा है ना, एकदम साफ साफ हो गया।
सिंगारदान वगैरह सब पूरा एकदम चकाचक एकदम दिख रहा है। फ्रिज के ऊपर कितना सामान था, मैंने फ्रिज के ऊपर का सारा सामान हटा दिया, कुछ भी नहीं बचा। अभी एक फ्रूट के लिए और लाके टोकरी रखूंगी बस। वो टोकरी फेंक दी है, वो तो थी खराब हो गई थी। हां सब खराब हो गया। एक लाख हो गए, इसका बटन आके कितना दिन से लगा हुआ है। हाँ करने का है। तुम्हारे भाई आराम कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत काम किया। और सबसे ज्यादा आज ये टाइम पे मेरे आशीष ने बहुत काम किया। मैं चोनू मेरा बेटा, मैं चोनी मेरा गंदा है कपड़ा। हाँ तो माशाल्लाह मेरे आसिफ ने बहुत ये टाइम पे काम किया, मेरे को बहुत हेल्प की अपने डैडी को और मुझे एकदम घर के काम करने के समय, बाहर की टाइल्स धोने में अपने डैडी को कम काम लगाया और अपना खुद काम किया ना। बच्चे बड़े हो जाते तो यही सहारा हो जाता है कि घर के साफ सफाई में मेरे बेटे ने मेरे साथ और सबसे ज़्यादा सताया ये काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। एक टोप एक बर्तन नहीं उठाया। ट्यूशन की छुट्टी करके क्या करता था? टाइल्स धोता था ना। ट्यूशन की छुट्टी करके टाइल्स धोता था तू? क्यों अब काम में क्या काम कर रहा है तो बोलते क्यों काम कर रहा है? हाँ